तो आज हम लोग आए हैं आइस। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं आइसलैंड, जो रोहिणी में है, मेट्रो वॉक मॉल में, एडवेंचर आइलैंड भी है। तो बट हम लोग जाएंगे आइसलैंड स्नो वर्ल्ड। तो चलते हैं और इंजॉय करते हैं। अभी रश काफ़ी है, ये जो शॉप से बंद है। तो अभी हस्बैंड गए हैं गाड़ी पार्क में लगाने के लिए, तो अभी वो आ जाते हैं, फिर हम अंदर चलते हैं और आपको पूरा बताऊंगी कि कितने टिकट है, कितने चार्जेस है, क्या है क्या नहीं है, कितना रश है, कितनी ठंड है, सब कुछ बताऊंगी। व्लॉग में बने रहना। तो गाइस, पोपट हो गया हमारा, क्योंकि हम लोग जा नहीं पाएंगे आइसलैंड, क्योंकि 7 बजे का स्लॉट दे रहे हैं और हम लोग इतनी जल्दी आ गए हैं, तो जल्दी इतनी देर हम क्या करेंगे, तो इसीलिए कैंसिल हो चुका है। और फिर उसको कैच करेंगे नोटों को, है थोड़ा ना हमारे पास। तो गाइस, एडवेंचर आइलैंड से तो हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि पोपट हो चुका है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा रश है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इसके पास ही है यूनिटी मॉल, तो हम लोग जा रहे हैं अभी यूनिटी मॉल। और यूनिटी मॉल में अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे या मूवी देखेंगे, तो ये सब कुछ सस्पेंस है मेरे लिए भी। तो आप ब्लॉग में प्लीज़ बने रहना, यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिए और आगे का सस्पेंस भी आपको पता लगता रहेगा, बने रहिए ब्लॉग में। बाय बाय एडवेंचर आइलैंड, वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर टूडे अदरवाइज। में तो मैं इनके साथ एक दो बार आई हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तब का हमारा, हमने बहुत इन्जॉय किया, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाते थे, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराते थे, जो अभी हमारी यादगार है। तो आज का एक्सपीरियंस तो बैड था बस। तो अभी चलते हैं जल्दी से यूनिटी मॉल। अभी हम आ गए हैं नेताजी सुभाष प्लेस के एम्बियंस मॉल, नहीं सॉरी पैसिफिक मॉल। फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे, क्योंकि सबको एक तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले अपना पेट पूजा करेंगे, उसके बाद मॉल एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं पैसिफिक मॉल, सुभाष प्लेस पे। तो ये है यहाँ की एंट्री। थोड़ा सा दूर में, लेकिन सिटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और हम अभी आए हैं पैसिफिक मॉल के हल्दीराम में। तो
ये सब जेंट्स लोग अभी कुछ खाने के लिए लेने गए हैं। और गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब आज का पूरा दिन है ना हमारा वेस्ट हो गया, मैसी सा हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो अब कुछ खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि फिल्म का हमारे डिसाइड होता है कि नहीं होता है। अगर टाइमिंग हुआ तो फिल्म देखेंगे, अदरवाइज नो। मतलब ये पूरा ना पूरा आज का दिन ना सरप्राइज है कि क्या करना हमें खुद नहीं पता। तो जैसे जैसे जो जो होता रहेगा वो करते रहेंगे। खाने को आ जाए फिर दिखाते हैं क्या मंगाया हमने खाना। ये हमारे सिटिंग एरिया से थोड़ा सा व्यू अच्छा, तो व्यू काफ़ी बहुत अच्छा है। ये देखो, पहले हमारा दिन क्या कम खराब था, ये हो गया। और ये सब हुआ धूप की वजह से। और देखो भारती का पूरा आउटफिट खराब हो गया, वो धोने गई है। तू तो छुप ही रहा, अभी देखो कुछ नहीं मिलेगा। अभी मुझे लाइफ में बाइक चलाना।